सत श्री अकाल जी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देखे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनुबीर ते रुक करांगे फटाफट अंदाज दे विच 100 खबरां दा। बाबे नानक दे प्रकाश पुरब तो पहला सिख संगतां नूं वड्डा तोहफा, अज तो करतारपुर लांघे जरिए पाकिस्तान जाण लई रजिस्ट्रेशन शुरू। कल करतारपुर लांघे रही पहला जत्था जाएगा, पंजाब सीएम चन्नी समेत पूरी कैबिनेट होगी जत्थे दे विच शामिल। बाबा नानक दे प्रकाश पुरब नूं लैके अज पाकिस्तान जाएगा सिख श्रद्धालुओं का जत्था, श्री दरबार साहिब तो सवेरे 10 बजे रवाना होगा जत्था। आप विधायक कुलतार सिंह संधवा की पंजाब सरकार तो मांग, उन्होंने कहा कि असीं भी करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं। करतारपुर लांघे नूं लैके महेंद्र सिंह गरेवाल ने कहा कि एक शलाघा योग कदम है, पर जो इस चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं वह सरासर गलत है। साबका मंत्री तीक्षण सूद ने श्री करतारपुर का लांघा खोलन से पीएम मोदी का किया धन्यवाद। तीक्षण सूद ने कहा कि पीएम मोदी हमेशा सिख भाईचारे भावनावां नूं समझते हैं। श्री करतारपुर साहब का लांघा खोलन से बरनाला में सिख संगत वालों मिठाई वंडी गई, तो पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया गया। एसजीपीसी वालों बरनाला में एक बार मुड़ यात्रा काउंटर खोलन की गल आखी गई, जिस नाल संगत आसानी नाल रजिस्ट्रेशन करवा सकेगी। श्री करतारपुर लांघा खुलन के ऐलान तो बाद संगत ने केंद्र सरकार तो पासपोर्ट की शर्त खत्म करने की भी मांग की। लांघा खोले जाने से गुरदासपुर में बीजेपी वालों लड्डू वंड के खुशी मनाई जा रही थी। इस दौरान कुछ नौजवानों ने किसान एकता जिंदाबाद और केंद्र सरकार खिलाफ नारे बाज किए। इस दौरान किसान जथेबंदियों भाजपा वर्कर आपों सामने हो गए। हालात में बिगड़ा देख मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों धिरों को शांत करवाया गया। मुख्यमंत्री चन्नी की अगवाई हुई पंजाब लारा की अहम बैठक, बैठक के लए गए कई वड्डे फैसले। जीएनडीयू ते पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे विच 6 चेयर्स नूं मंजूरी, गन्ना किसानों नूं सरकार वल्लों दित्ती वित्तीय सहायता, गन्ने दीआं कीमतां विच वाधे दा 35 रुपए प्रति क्विंटल देवेगी सरकार। बतौर कांग्रेस पंजाब प्रधान दी कमान सामण तो बाद सिद्धू सरगर्म नजर आए, प्रधान की कुर्सी सामण तो बाद मीडिया नूं मुखातिब होए सिद्धू ने कहा कि उम्मीदवारां दा ऐलान तय समय ते कीता जाएगा। नवजोत सिद्धू ने कहा कि उम्मीदवारों की चोण का पैमाना जित की समर्था होगा, उम्मीदवारों की लिस्ट अखीर जारी की जाएगी, जरूरी नहीं कि मौजूदा विधायकों ही टिकट मुड़ तो दी जाए। सुखबीर बादल ने सिद्धू से निशाना साधते हुए कहा कि पहला अस्तीफा दिता हूं मुड़ अहुदा संभाल लिया। सुखबीर बादल ने सिद्धू से निशाना साधते हुए कहा कि हूं मुड़ कोई नवी मिसाइल सिद्धू छेगा। 2022 विधानसभा चोणां तो ठीक पहला साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक बार फिर सरगर्मी फड़ी है। साबका मुख्यमंत्री ने कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी नूं घेरिया। आप विधायक अमन अरोड़ा ने सूबा सरकार से जम के निशाना साधिया, उन्होंने कहा कि पंजाब इस बिजली माफिया चल रहा है, जिस उस मौजूद सरकार भी शामिल है। अरोड़ा ने कहा कि प्राइवेट थर्मल प्लांट सरकारी खजाने नूं चूना लगा रहे हैं। इस दौरान अमन अरोड़ा ने वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल से भी जम के निशाना साधिया। श्री आनंदपुर साहब तो सांसद मनीष तिवाड़ी रूपनगर के कनौली सड़क का नींह पत्थर रखन पहुंचे, तो उन्होंने किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध हुंदा वेख सांसद साहब तिवाड़ी ने भी हाथ के किसानी झंडा फड़ लिया, किसानों नाल गलबात की। किसान डीएपी खाद और फसलों के मुआवजे को लेकर रोस विच ने। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी के पार्टी वर्करों का वड्डा इकट्ठ नूपुर बेदी के एक दूजे पैलेस में करवाया गया एक समागम। इस दौरान सूबा सरकार के खिलाफ जम के निशाना भी साधा गया। कौमी एसी कमीशन के चेयरमैन से बीजेपी के सीनियर आगू विजय सांपला ने साबका मुख्यमंत्री कैप्टन नाल मुलाकात की। सुखपाल सिंह कैरा की गिरफ्तारी मगरों हुण अकाली दल विधायक मनप्रीत आली भी निशाने से ने। आली के घर समेत कई ठिकाणों से इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। अपनी हकी मंगों लैके अध्यापकों ने विधानसभा स्पीकर राणा केपी की रिहायश सामने धरना दिता। इस धरने के रोपड़ मोहाली और चंडीगढ़ के अध्यापक शामिल हैं। विधानसभा स्पीकर के पीए को धरनाकारियों ने मांग पत्र भी सौंपे। श्री फतेहगढ़ साहब के सिविल अस्पताल विखे
NRHM Employees Association Punjab वालों सूबा सरकार के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके मुलाजमान ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। करनाकारिया ने कहा कि सेहत विभाग के राष्ट्रीय सेहत मिशन पंजाब के अधीन 12,000 मुलाजम पिछले 12 से 15 सालों तो निगुणियां तनखा से काम करते हैं, पर हाल तक उन्होंने पक्का नहीं किया गया। पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड इंपलॉयज ज्वाइंट फॉर्म पंजाब के सद से पीएससीबी समूह जथेबंदियों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पावरकॉम की मैनेजमेंट वालों वार बार मीटिंग बुला के कोई हल नहीं किया जा रहा, जिस करके बिजली मुलाजमान काफी रोस पाया जा रहा। सत्वां तनखाह स्केल लागू ना करन अते तनखाह स्केल यूजीसी नालों डी लिंक करन दे विरोध विच प्रोफेसरां ने रोस प्रदर्शन किया। धरना पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली निजी रिहायश सामने दिता गया। डीएपी खाद की कालाजारी नूं रोकण लई खेतीबाड़ी विभाग ने सख्ती कर दी है। मानसा के पिंड साधुवाल के एक फैक्टरी विच गोदाम दी चैकिंग दौरान 705 डीएपी के थैले बरामद किए गए हैं। चैकिंग करनी गई टीम का कहना है कि कंपनी को मंजूरशुदा लाइसेंस तो है पर खाद वेचन की मंजूरी नहीं है। इस दौरान कंपनी के फील्ड अफसर गिरफ्तार किया गया। गिदड़बाहा में डीएपी खाद ना मिलने कारण किसानों वालों नैशनल हाईवे श्रीगंगानगर से चंडीगढ़ उपर जाम लगा के रोस जाहिर किया। मोगा में सफाई मुलाजमान ने जाम के हंगामा किया, जिस कारण पुलिस ने कई सफाई मुलाजमान हिरासत भी लिया। सफाई मुलाजम प्राइवेट कंपनी वालों कूड़ा चुकने तो नाराज सन। उधर मोगा की मेयर नितिका ने सफाई मुलाजमान को चेतावनी दी है कि वह हड़ताल खत्म कर दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। खाद की किल्लत तो औखे किसानों ने एसडीएम के दफ्तर समेत तहसीलदार का दफ्तर भी घेर लिया। इस दौरान उन्होंने मुलाजमान को दफ्तर तो जाने से रोकिया। किसानों ने सरकार से इल्जाम लगाया कि किसानों को सरकार जानबूझ के परेशान कर रही। उन्होंने सूबा सरकार तो जल्द डीएपी की घाट पूरी करने की मांग भी की। बठिंडा की अनाज मंडी में झोने की लिफ्टिंग ना होने कारण किसान खासे परेशान हो रहे हैं, जिस कारण मजदूरों से किसानों को समस्यावां आ रही हैं। पटियाला के पिंड टोला में पानी की वारी को लेकर दो गुटों विचाले विवाद बढ़ गया। इस दौरान एक गुट ने फायरिंग कर दी। इस मामले को लेकर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी किया है, 6 लोग हाल भी फरार दसे जा रहे हैं। पटियाला में कुछ दिन पहला निहंग पुलिस दल धक्कामुक्की हुई थी, उसको लेकर पुलिस ने 3 निहंगों के खिलाफ धारा 307 का मामला दर्ज किया। अदालत अपने केस की तरीफ भुगतनाई लड़की के दो व्यक्तियों के वालों तेज तरह हथियार नाल हमला, इस बार जख्मी हो गई। जख्मी हालत अदालत जज सामने पेश हुई। पीड़ित लड़की ने अपने पति से उस नाल कुटमार करने के इल्जाम लगाए, जिस कारण अदालत उसका अपने पति नाल केस चल रहा है। बठिंडा के एआईजी जतिंदर जैन के रिहायश को विस्फोटक समग्री मिलने की खबर सामने आई। मामले की जांच के लिए बम स्क्वाड टीम पहुंची। सीआईए जगराओ ने पुलिस ने नजायज हथियार रखने वाले दो नौजवानों को काबू करने में सफलता हासिल की। फड़े दो मुलजमान को पुलिस ने दो पिस्तौल 32 बोर से 6 जिंदा कारतूस बरामद किए ने। मुलजम मध्य प्रदेश तो नजायज हथियार लेके आए। बटाला के पिंड सखवाल में तेज रफ्तार कार और दो मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई, जिस विच 3 व्यक्तियों की मौत 2 लोग जख्मी हो गए। हादसे में जख्मी हुए लोगों को इलाज लिए हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। अमृतसर के लॉरेंस रोड से भयानक सड़क हादसा, कार ने एक्टिवा मारी टक्कर, एक्टिवा सवार कुड़ी की टुटी बांह। फिरोजपुर की सेंट्रल जेल मुड़ तो सुर्खियां, जेल के बाहरों नशे दियां 40 गोलियां के मोबाइल के 14 चार्जर किए गए बरामद।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਵਾਜਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।